नमस्कार दोस्तों, करंट अफेयर्स रिवीजन फॉर प्रीलिम 2019 में आपका स्वागत है। साइंस एंड टेक के रिवीजन का ये हमारा 11वां लेक्चर है। इस वीडियो में हम अप्रैल महीने के साइंस एंड टेक से संबंधित करंट अफेयर्स को रिवाइज करेंगे। पीडीएफ देखो आप टेलीग्राम चैनल के अलावा अपनी जो वेबसाइट है onlyias.in, फिर से बोलता हूँ onlyias.in, इस वेबसाइट पर जाके आप डाउनलोड पर क्लिक करके सारी रिवीजन वीडियोस की पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। लिंक इस वेबसाइट का नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है। डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले छोटी सी इन्फॉर्मेशन, आप पॉलिटिकल साइंस कोर्स और मेंस बूस्टर प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हो video.onlyias.in पर जाके। कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो तो आप सेंड कर सकते हो onlyiassales@gmail.com पर। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इंपॉर्टेंट न्यूज़ सेंटर फॉर सेलुलर एंड मोलिकुलर बायोलॉजी के बारे में है। इस रिसर्च सेंटर के बारे में बाद में डिस्कस करेंगे, पहले कंटेक्स्ट जानते हैं। देखो इस रिसर्च सेंटर में जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कवरी की है। क्या? साइंटिस्ट ने एक नए एंजाइम को डिस्कवर किया है। फिर से बोलता हूँ, साइंटिस्ट ने एक नए एंजाइम को डिस्कवर किया है जिसको ब्लॉक करने से बैक्टीरिया की सेल वॉल को ब्रेक किया जा सकता है। देखो जो हार्मफुल बैक्टीरिया होते हैं वो शरीर को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं, गंभीर डिजीज होते हैं हार्मफुल बैक्टीरियाज की वजह से। अगर इस पर्टिकुलर एंजाइम जिसको अभी फिलहाल डिस्कवर किया गया है, नाम है इस एंजाइम का सीजर्स एंजाइम, अगर इस एंजाइम को ब्लॉक कर दिया जाए ना तो हार्मफुल बैक्टीरियाज की जो सेल वॉल है वो ब्रेक हो जाएगी। अगर देखो हार्मफुल बैक्टीरियाज की सेल वॉल ब्रेक हो जाएगी तो बैक्टीरिया का जो मल्टीप्लीकेशन होता है वो बंद हो जाएगा, तो मतलब दवाइयों का असर होना स्टार्ट हो जाएगा। इस डिस्कवरी का पोटेंशियल देखो काफ़ी ज़्यादा है। एक तो इस डिस्कवरी के बाद ऐसे एंटीबायोटिक ड्रग्स का निर्माण किया जाएगा जिनसे ये एंजाइम ब्लॉक हो और हार्मफुल बैक्टीरियाज की सेल वॉल ब्रेक हो जिससे डिजीज पर नियंत्रण पाया जा सके। दूसरा, ऑलरेडी जो एंटीबायोटिक ड्रग्स हैं वो काफ़ी बार काम करना बंद कर देते हैं, लेकिन इस नई डिस्कवरी के बाद जो एग्जिस्टिंग एंटीबायोटिक ड्रग्स हैं उनमें भी थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट लाके उनको और ज़्यादा इफेक्टिव बनाया जा सकता है। अब हम जान लेते हैं सेंटर फॉर सेलुलर एंड मोलिकुलर बायोलॉजी के बारे में, यानी CCMB के बारे में। ये देखो इंडियन बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च इस्टेब्लिशमेंट है। इसे इस्टेब्लिश किया गया था 1977 में। कहाँ पर है? हैदराबाद में। पेरेंट बॉडी कौन सी है इस रिसर्च सेंटर की? काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च CSIR के अधीन ये रिसर्च सेंटर आता है। ग्लोबल मोलिकुलर एंड सेल बायोलॉजी नेटवर्क यूनेस्को के द्वारा सेंटर फॉर सेलुलर एंड मोलिकुलर बायोलॉजी को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का दर्जा दिया हुआ है। इसके अलावा देखो इस रिसर्च सेंटर के कैंपस में इंडिया का नेशनल बायोसेफ्टी लेवल 4 कंटेनमेंट फैसिलिटी फॉर ह्यूमन इन्फेक्शियस डिजीज भी सिचुएटेड है। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया सेंटर फॉर सेलुलर एंड मोलिकुलर बायोलॉजी के बारे में। आगे चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल बेंजोइक एसिड के बारे में है। देखो बेंजोइक एसिड एक कलरलेस क्रिस्टलाइन सॉलिड है। केमिकल फॉर्मूला की बात करें C6H5COOH, ये केमिकल फॉर्मूला है बेंजोइक एसिड का, और ये एक कलरलेस क्रिस्टलाइन सॉलिड है, एक सिंपल एरोमेटिक कार्बोजाइलिक एसिड है। बेंजोइक एसिड के बारे में आपने सुना होगा, एज ए प्रिजर्वेटिव इस्तेमाल किया जाता है, जैसे समुद्र से मछली को पकड़ा जाता है, किनारे पर लाते लाते मछली बासी हो जाती है, तो बहुत से जो मछुआरे हैं वो बेंजोइक एसिड का इस्तेमाल करते हैं ताकि मछली जो पकड़ी गई है उसकी सेल्फ लाइफ को इंक्रीज किया जा सके। बेंजोइक एसिड को इस्तेमाल किया जाता है फूड प्रिजर्वेटिव के तौर पर, और फंगल इन्फेक्शन या फिर बैक्टीरियल इन्फेक्शन ना हो इसलिए भी बेंजोइक एसिड का इस्तेमाल होता है। अभी यूजली देखो जो पेट्रोलियम वेस्ट प्रोडक्ट है टोलीन, इसको कन्वर्ट करके बेंजोइक एसिड को प्रोड्यूस किया जाता है। मैं फिर से बोलता हूँ, पेट्रोलियम वेस्ट प्रोडक्ट है टोलीन, इसको कन्वर्ट करके बेंजोइक एसिड प्रोड्यूस किया जाता है, लेकिन अभी जो प्रोसेस है वो काफ़ी ज़्यादा महंगी है। एक कैटलिस्ट है जिसका नाम है PTBNP, यहाँ पे नीचे देखो PTBNP ये कैटलिस्ट है। इसकी प्रेजेंस में सिलेक्टिव और कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन होती है टोलिन की, तब जाके बेंजोइक एसिड प्रोड्यूस होता है। सामान्यतः ये जो ऑर्गेनिक रिएक्शंस है ना ये कैरी आउट की जाती हैं ऑर्गेनिक
सॉल्वेंट्स की सहायता से, जिससे पूरी प्रोसेस काफ़ी महंगी हो जाती है और टॉक्सिक वेस्ट भी काफ़ी जनरेट हो जाता है। लेकिन अब इसका एक अल्टरनेटिव प्रेजेंट किया गया है IIT मद्रास के दो रिसर्चर्स के द्वारा। अल्टरनेटिव क्या है? अल्टरनेटिव ये है कि एक प्लेटिनम नैनो कैटलिस्ट की सहायता से पेट्रोलियम वेस्ट प्रोडक्ट टोलिन को कन्वर्ट किया जा सकता है बेंजोइक एसिड में। फिर से बोलता हूँ, अल्टरनेटिव प्रेजेंट किया गया है IIT मद्रास के दो रिसर्चर्स ने प्लेटिनम नैनो कैटलिस्ट की प्रेजेंस में पेट्रोलियम वेस्ट प्रोडक्ट टोलिन को कन्वर्ट किया जा सकता है बेंजोइक एसिड में। और ये प्रोसेस काफ़ी ज़्यादा इन्वायरमेंट फ्रेंडली है, महंगी नहीं है, और इससे टॉक्सिक वेस्ट जो जनरेट पहले होता था पुरानी प्रोसेस से, वो टॉक्सिक वेस्ट भी जनरेट नहीं होगा। और इस प्रोसेस में एक ग्रीन ऑक्सीडेंट का सहारा लिया जाता है टोलिन को बेंजोइक एसिड में कन्वर्ट करने के लिए। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया बेंजोइक एसिड के बारे में। क्वेश्चन देखो, बेंजोइक एसिड के बारे में पूछे जाने की संभावना ज़्यादा है। UPSC बहुत बार इस प्रकार के क्वेश्चन पूछ लेती है कि इनमें से कौन से पर्पज़ के लिए इस कंपाउंड का इस्तेमाल किया जाता है। तो जैसे इस प्रकार के ऑप्शन हो सकते हैं, मेडिसिनल पर्पजेज़ के लिए, फंगल इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन को रोकने के लिए, दूसरे नंबर पे एज ए फूड प्रिजर्वेटिव। तो इस प्रकार की स्टेटमेंट्स हो सकती हैं, आपको सही ऑप्शन का चुनाव करना होगा आंसर में। चलते हैं आगे। दोस्तों देखो, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इवन होराइजन टेलीस्कोप के बारे में। देखो, ये जो इवन होराइजन टेलीस्कोप है ना, 8 रेडियो टेलीस्कोप्स का एक नेटवर्क है। वर्ल्ड में विभिन्न लोकेशंस पर 8 रेडियो टेलीस्कोप्स इस्टाब्लिश की गई हैं, और उन्हीं 8 रेडियो टेलीस्कोप्स का नेटवर्क है ये इवेंट होराइजन टेलीस्कोप। अब क्वेश्चन ये उठता है, काम क्या है इस टेलीस्कोप का? देखो, इस टेलीस्कोप को, यानी इवेंट होराइजन टेलीस्कोप को, इस मकसद के साथ इस्टाब्लिश किया गया था ताकि ब्लैक होल्स को ऑब्जर्व किया जाए और ब्लैक होल्स की पिक्चर ली जाए। तो अभी फिलहाल कंटेक्स्ट ये है, इवेंट होराइजन टेलीस्कोप के द्वारा ब्लैक होल की पिक्चर ली गई है। और सिग्निफिकेंट बात देखो ये है, ऐसा पहली बार पॉसिबल हुआ है कि ब्लैक होल की पिक्चर ली गई है। इससे पहले ब्लैक होल की पिक्चर कभी ली ही नहीं गई है, इसीलिए ये न्यूज़ काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। अब दो इंटरेस्टिंग बातें आपको बताता हूँ। देखो, इवेंट होराइजन टेलीस्कोप का काम था 2 ब्लैक होल्स को ऑब्जर्व करना और तस्वीर लेना। पहला ब्लैक होल सेजिटेरियस ए, ये मिल्की वे गैलेक्सी के बीचों बीच है, सेजिटेरियस ए ब्लैक होल। इस ब्लैक होल का मास सन के मास से 4 मिलियन टाइम्स ज़्यादा है, यानी 40 लाख गुना ज़्यादा मास है इस ब्लैक होल का एज कंपेरिजन टू मास ऑफ सन। ये तो बात हुई पहले ब्लैक होल की जिसको मॉनिटर किया जा रहा था इवन होराइजन टेलीस्कोप के द्वारा। बात करते हैं दूसरे ब्लैक होल की। दूसरा ब्लैक होल जिसे मॉनिटर किया जा रहा था इवन होराइजन टेलीस्कोप के द्वारा, नाम है मॉन्स्टर ब्लैक होल। कौन सी गैलेक्सी के सेंटर में है मॉन्स्टर ब्लैक होल? देखो, एक एलिप्टिकल गैलेक्सी जिसका नाम है M87, इस गैलेक्सी के सेंटर में है मॉन्स्टर ब्लैक होल। और इस ब्लैक होल का साइज जो है वो 1500 गुना ज़्यादा है एज कंपेरिजन टू सेजिटेरियस ए ब्लैक होल, जिसके बारे में हमने पहले डिस्कस किया। इससे मॉन्स्टर ब्लैक होल का साइज जो है वो 1500 टाइम्स ज़्यादा है। और इंटरेस्टिंग बात यह है, अभी जो इवन होराइजन टेलीस्कोप के द्वारा तस्वीर ली गई है वो मॉन्स्टर ब्लैक होल की ली गई है, ना कि सेजिटेरियस ए ब्लैक होल की। UPSC ये भी पूछ सकती है, कौन से ब्लैक होल की तस्वीर ली गई है इवन होराइजन टेलीस्कोप के द्वारा? आंसर होगा मॉन्स्टर ब्लैक होल। लास्ट में देखो, एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट भी है जिस पर क्वेश्चन बन सकता है। देखो, मॉन्स्टर ब्लैक होल की तस्वीर लेने के लिए एक अर्थ साइज की वर्चुअल टेलीस्कोप का निर्माण किया गया। अब देखो, वैसे अर्थ के साइज जितनी टेलीस्कोप का निर्माण तो किया नहीं जा सकता, लेकिन वर्चुअली अर्थ के साइज जितनी टेलीस्कोप का निर्माण किया जा सकता है। और इसी के लिए, इसी पर्पज के लिए 8 रेडियो टेलीस्कोप्स इस्टाब्लिश की गई थी अलग अलग जगह पे। यहाँ पे आप लोकेशन देख सकते हो कहाँ कहाँ पे रेडियो टेलीस्कोप्स को इस्टाब्लिश किया गया था। बाद में इंटरफेरोमीटर की सहायता से 8 रेडियो टेलीस्कोप से आने वाली वेव्स को आपस में मर्ज किया गया ताकि ब्लैक होल की तस्वीर ली जा सके। फिर से बोलता हूँ, 8 जो रेडियो टेलीस्कोप इस्टाब्लिश की गई थी विभिन्न लोकेशंस पर, उनकी वेव्स को आपस में मर्ज किया गया इंटरफेरोमीटर की सहायता से, और इससे एक वर्चुअल अर्थ के साइज की टेलीस्कोप का निर्माण हो गया। और उसी वर्चुअल अर्थ की साइज से टेलीस्कोप ने अब मॉन्स्टर ब्लैक होल
की तस्वीर ली है और ये पहली बार संभव हुआ है कि किसी भी ब्लैक होल की तस्वीर को लिया गया है। आपके मन में वैसे एक क्वेश्चन ये भी आया होगा, ये इवन होराइजन टेलीस्कोप किसकी है, यूएसए की है, कौन से देश की है? देखो, ये जो इवन होराइजन टेलीस्कोप है ना, काफ़ी सारे इंस्टीट्यूशंस और काफ़ी सारे यूनिवर्सिटीज़ की कोलाब्रेशन है, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ और बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस की कोलाब्रेशन है। आपको इतने सारे नाम याद रखने की आवश्यकता नहीं है। चलते हैं आगे। इंपॉर्टेंट आर्टिकल न्यू स्टेट ऑफ मैटर के बारे में है। पहले मुझे आप एक सिंपल क्वेश्चन का आंसर दे दीजिए, कोई भी फिजिकल मैटर कितनी स्टेट्स में, कितनी फॉर्म्स में एग्जिस्ट कर सकता है? सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकता है, लिक्विड फॉर्म में, गैस की फॉर्म में, और चौथा प्लाज्मा की फॉर्म में। तो मैटर की चार फॉर्म्स के बारे में आपने सुना होगा। अब कुछ साइंटिस्ट ने यह दावा किया है कि हमने मैटर की नई स्टेट को डिस्कवर किया है। नाम क्या है मैटर की नई स्टेट को डिस्कवर करने का दावा जो साइंटिस्ट के द्वारा किया गया है? नाम है मैटर की नई स्टेट का चेन मेल्टेड स्टेट। यहाँ पर देखो, चेन मेल्टेड स्टेट। इस स्टेट में क्या होता है, एटम्स एक ही समय में सॉलिड और लिक्विड दोनों फॉर्म्स में एग्जिस्ट करते हैं। फिर से बोलता हूँ, मैटर की नई स्टेट चेन मेल्टेड स्टेट। इस स्टेट में एटम्स एक ही समय में सॉलिड और लिक्विड दोनों फॉर्म्स में एग्जिस्ट करते हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ एडिनबर्ग है, वहां के साइंटिस्ट ने यह दावा किया, कुछ मेटल्स फॉर एग्जांपल पोटेशियम, पोटेशियम के ऊपर देखो जब बहुत ज़्यादा प्रेशर, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर लगाया जाता है, तो पहले तो ये विश्वास किया जाता था सभी जो एटम्स हैं वो सॉलिड लैटिस्ट स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाएंगे। लेकिन एक्चुअल में जब पोटेशियम मेटल पर बहुत ज़्यादा प्रेशर, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर लगाया गया, तो कुछ एटम्स ऐसे भी थे जो दोनों फॉर्म्स में एग्जिस्ट कर रहे थे, सॉलिड में भी और लिक्विड में भी। जैसे आपको एग्जांपल देता हूं, स्पंज का रसगुल्ला आपने जरूर खाया होगा। स्पंज के रसगुल्ले को जब आप प्रेस करते हो तो लिक्विड की फॉर्म में कुछ बाहर निकलता है। अगर देखो ऐसी सिचुएशन में स्पंज को अब आप वाटर से रिप्लेस कर दो तो क्या होगा, वाटर दोनों फॉर्म्स में होगा, सॉलिड फॉर्म में भी और लिक्विड फॉर्म में भी। उसी प्रकार से पोटेशियम मेटल पर जब बहुत ज़्यादा प्रेशर लगाया जाता है, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर लगाया जाता है, तो कुछ एटम्स ऐसे होते हैं जो एक ही समय पर दोनों स्टेट्स में एग्जिस्ट करते हैं, सॉलिड फॉर्म में भी, लिक्विड फॉर्म में भी। और ऐसा सिर्फ पोटेशियम मेटल के साथ नहीं देखने को मिला, सोडियम, बिस्मथ, इनको भी सूटेबल इन्वायरमेंट अगर प्रोवाइड किया जाए तो ये भी चेन मेल्टेड स्टेट में आ जाते हैं, जो कि मैटर की एक नई स्टेट है, ऐसा दावा किया गया है यूनिवर्सिटी ऑफ एडिनबर्ग के साइंटिस्ट के द्वारा। तो अगर यूपीएससी पूछ लेती है कि ये चेन मेल्टेड स्टेट क्या है, ये मैटर की नई स्टेट है, इसमें एटम्स एक ही समय में दो स्टेट्स में एग्जिस्ट करते हैं, सॉलिड स्टेट में भी और लिक्विड स्टेट में भी। चलते हैं आगे। नेक्स्ट आर्टिकल ब्लू के बारे में है। ब्लू देखो एक रोबोट है, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया और दूसरी यूनिवर्सिटीज ने मिलकर ये रोबोट तैयार किया है, ब्लू। ब्लू रोबोट की खास बात यह है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की सहायता से जो कॉम्प्लेक्स काम ह्यूमन बीइंग्स के द्वारा किए जाते हैं वो काम इस रोबोट के द्वारा किए जा सकते हैं, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज किया जाता है इसके लिए ब्लू रोबोट के द्वारा। जैसे देखो कपड़े फोल्ड करना हो, आमतौर पे रोबोट के द्वारा इस प्रकार के काम करना मुश्किल होता है, लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की सहायता से ये ब्लू रोबोट इस प्रकार के कॉम्प्लेक्स काम भी कर सकेगा। एक और एग्जांपल भी आप ले सकते हो, जैसे घर पर कॉफी को प्रिपेयर करना, इस प्रकार के काम किए जा सकेंगे ब्लू रोबोट के द्वारा। इंपॉर्टेंट आर्टिकल ऑयल ईटिंग बैक्टीरिया के बारे में है। देखो समुद्र में जो ऑयल स्पिल होता है, यानी तेल का बिखराव हो जाता है समुद्र में, इससे ना मैरीन लाइफ पर बहुत ही ज़्यादा बुरा असर पड़ता है। एक तो देखो ऑयल रिएक्ट करता है पानी के साथ, एक स्टिकी सब्सटेंस बनता है, चिपचिपा सब्सटेंस, और वो चिपचिपा सब्सटेंस मछलियों के चिपक जाता है, या फिर पक्षी अगर बैठते हैं वहाँ पर तो पक्षियों के पंखों पर भी वो स्टिकी सब्सटेंस चिपक जाता है, सीधा सीधा उन पर असर पड़ता है। और काफ़ी बार तो ऑयल से जो हार्मफुल टॉक्सिक केमिकल्स रिलीज होते हैं वो मैरीन एनिमल्स की बॉडी के अंदर चले जाते हैं,
बाद में देखो ह्यूमन बींग्स उन्हीं मैरीन एनिमल्स को खाता है तो वो ह्यूमन बींग्स के अंदर भी आ जाते हैं, मतलब एक बार फूड चेन में एंटर अगर कर गए टॉक्सिक केमिकल्स तो बाद में वो ह्यूमन बींग्स की बॉडी के अंदर भी आ सकते हैं। इसके अलावा देखो ऑयल स्पिल की वजह से ऑक्सीजन की भी कमी हो जाती है तो सीधा सीधा मरीन लाइफ पर असर पड़ता है। कहने का मतलब यही हुआ, ऑयल स्पिल से नुकसान काफ़ी ज़्यादा होते हैं और एक बार ऑयल स्पिल हो जाए, मतलब एक बार समुद्र में तेल बिखर गया तो उसे कैसे टैकल किया जाए, किस प्रकार से एड्रेस किया जाए, ये भी देखो विभिन्न देशों के लिए एक चुनौती होता है। मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, बीपी 2010 ऑयल स्पिल, ये देखो ऑयल स्पिल हुआ था 2010 अप्रैल में, एक ऑयल की वेल से तेल का रिसाव स्टार्ट हुआ था, 6 महीने लग गए वेल को सील करने में, 6 महीने तक लगातार तेल का रिसाव होता रहा गल्फ ऑफ मैक्सिको में जो ये तेल का कुआ था। और वैसे 2012 में भी रिपोर्ट्स आई कि अभी भी थोड़ा थोड़ा वहां से तेल का रिसाव हो रहा है। तो अभी फिलहाल कंटेक्स्ट ये है, एक ऑयल ईटिंग बैक्टीरिया को डिस्कवर किया है साइंटिस्ट ने। ये जो ऑयल ईटिंग बैक्टीरिया है ये क्या करता है, ये हाइड्रोकार्बन्स को डिग्रेड करता है। तो इस ऑयल ईटिंग बैक्टीरिया को यूज किया जा सकता है क्रूड ऑयल में या फिर नेचुरल गैस में जो हाइड्रोकार्बन्स होता है उन्हें डिग्रेड करने में। तो देखो ये जो ऑयल ईटिंग बैक्टीरिया है वो क्रूड ऑयल में मौजूद हाइड्रोकार्बन्स को डिग्रेड कर देगा और जो आउटपुट निकलेगी उसे इस्तेमाल किया जा सकेगा एज ए फ्यूल के तौर पे। साइंटिस्ट ने अपनी डिस्कवरी में ये भी बताया कि इस प्रकार के जो ऑयल ईटिंग बैक्टीरियाज हैं इनकी संख्या काफ़ी ज़्यादा है मेरियाना ट्रेंच में। मेरियाना ट्रेंच कहाँ पे है, पैसिफिक ओशन में। यहाँ पर देखिए वेस्टर्न पैसिफिक ओशन में है मेरियाना ट्रेंच, मेरियाना आइलैंड से 200 किलोमीटर की दूरी पर। ये देखो वर्ल्ड की डीपेस्ट नेचुरल ट्रेंच है, इस ट्रेंच की डेप्थ है 10,994 मीटर से। अगर आप इसे कंपेयर करें माउंट एवरेस्ट से, माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई है 8,848 मीटर से। शेप कैसी है मरियाना ट्रेंच की, शेप है क्रेसेंट, यहां पर देखो चांद के आकार की शेप है। बाकी कितनी लेंथ है, विड्थ कितनी है, ये सब याद रखने की आवश्यकता नहीं है। चलते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। नेक्स्ट आर्टिकल स्केल्ड कंपोजिट्स स्टेरोलोन्स के बारे में है। ये देखो वर्ल्ड का लार्जेस्ट एरोप्लेन है, अभी ये ऑपरेशन में नहीं है। इस एरोप्लेन की फर्स्ट टेस्ट फ्लाइट कंडक्ट हुई कहाँ पे, कैलिफोर्निया के मोहावे डेजर्ट में। अभी फर्स्ट टेस्ट फ्लाइट कंडक्ट हुई है और काफ़ी सारी टेस्ट फ्लाइट्स कंडक्ट होंगी, उसके बाद यूज में लाया जाएगा स्केल्ड कंपोजिट्स स्टेरोलोन्स को। ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट एरोप्लेन है। एप्लीकेशन देखो इसकी ये होगी, इस एरोप्लेन के द्वारा रॉकेट को स्पेस में ले जाया जा सकेगा। स्पेस में रॉकेट लेके जाएगा ये एरोप्लेन, वहां से रॉकेट को इग्नाइट किया जा सकेगा सैटेलाइट को लॉन्च करने के लिए। तो अगर यूपीएससी पूछे कि स्केल्ड कंपोजिट्स स्टेरोलोन्स, ये फिलहाल न्यूज में था किस वजह से ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट एरोप्लेन है। इंफॉर्मेशन तो देखो और भी काफी सारी दी हुई है लेकिन ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, वैसे भी रिवीजन का टाइम है तो खामखा की इंफॉर्मेशन पर आप ज़्यादा टाइम वेस्ट मत कर दीजिएगा। जैसे कार्बन कंपोजिट से मिलके बना है, इतने इंजन हैं, ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि हमने ये एरोप्लेन तैयार नहीं किया है। अगर हमारे देश की बहुत बड़ी अचीवमेंट ये होती ना तब काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता, जैसे हमारे देश में चंद्रयान मिशन है, मार्स मिशन है, एसेट मिशन है, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनके बारे में डिटेल से पढ़ने की आवश्यकता होती है। ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट एरोप्लेन है, अभी पहली टेस्ट फ्लाइट कंडक्ट हुई है, हमें इतना ज़्यादा डीप में जाने की आवश्यकता नहीं है कि कितने इंजन हैं, किसने फाइनेंस किया था, नहीं आप इतना डीप में मत जाइए, बस बेसिक इन्फॉर्मेशन स्केल्ड कंपोजिट्स स्टेरोलोन्स के बारे में याद रखिएगा, वर्ल्ड का लार्जेस्ट एरोप्लेन और एप्लीकेशन क्या है, रॉकेट को स्पेस में ले जाया जा सकेगा इस प्लेन के द्वारा और फर्स्ट फ्लाइट टेस्ट कंडक्ट हुआ कैलिफोर्निया के मोहावे डेजर्ट में। चलते हैं आगे, नेक्स्ट आर्टिकल निर्भया मिसाइल के बारे में है। क्या कंटेस्ट है, देखो DRDO ने ना सफल टेस्ट किया निर्भया मिसाइल का, कहाँ पर, उड़ीसा में चांदीपुर में जो इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज है वहाँ पर। हम बात करें निर्भया मिसाइल के बारे में, ये लॉन्ग रेंज सबसोनिक क्रूज मिसाइल है। सबसोनिक मिसाइल्स देखो वो मिसाइल्स होती हैं जिनकी स्पीड साउंड की स्पीड से कम होती है। और रेंज कितनी है निर्भया मिसाइल की, नोट डाउन कर लीजिए, निर्भया मिसाइल की रेंज है 1000 किलोमीटर से। और चूंकि ये
क्रूज मिसाइल हैं अर्थ के एटमॉस्फेयर के अंदर रहकर अर्थ से 100 मीटर्स की ऊंचाई पर ट्रेवल किया जा सकता है इस मिसाइल के द्वारा। और अच्छी बात यह है कि ये स्वदेशी मिसाइल है, हमने खुद से ही इसे डेवलप किया है, DRDO के द्वारा इसे डिज़ाइन एंड डेवलप किया गया है। स्पीड कितनी है? 0.7 मैक। अगर देखो इस मिसाइल की स्पीड साउंड की स्पीड से ज़्यादा होती तो मैक नंबर 1 से ज़्यादा होता। अब जबकि स्पीड की साउंड से कम है, निर्मय मिसाइल की स्पीड सबसोनिक मिसाइल है, इसलिए मैक नंबर 1 से कम है। मल्टीपल प्लेटफॉर्म से इस मिसाइल को लॉन्च किया जा सकता है और ये जो मिसाइल है वो न्यूक्लियर कैपेबल है, मतलब न्यूक्लियर वार हेड्स को लॉन्च किया जा सकता है इस मिसाइल की सहायता से। अब आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिए। दो स्टेटमेंट्स हैं। पहली स्टेटमेंट, ये स्वदेशी सबसोनिक क्रूज मिसाइल है, पहली स्टेटमेंट। और दूसरी स्टेटमेंट, इवन 100 मीटर की ऊंचाई पर भी उड़ सकती है, ट्रैवल किया जा सकता है इस मिसाइल के द्वारा। बताइए कौन सी स्टेटमेंट सही है, कौन सी गलत है। देखो दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं, इसका आंसर होगा सी। एक और क्वेश्चन है निर्भय मिसाइल के बारे में। चारों स्टेटमेंट्स को वीडियो को पॉज करके ध्यान से देखिए। होप आपने चारों के चारों स्टेटमेंट्स देखी होंगी। और अब बताइए आपके मन में क्या आया, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होना चाहिए। देखो इस क्वेश्चन का आंसर होगा बी। सारे ऑप्शंस सही हैं लेकिन पहला गलत है। पहला क्यों गलत है? ये सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल नहीं है, सबसोनिक क्रूज मिसाइल है। इस मिसाइल की स्पीड साउंड की स्पीड से कम है, ना कि ज़्यादा, समझ गए? इसीलिए ये सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल नहीं है, सबसोनिक क्रूज मिसाइल है। तो आंसर होगा बी। चलते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। आर्टिकल डार्ट मिशन के बारे में है। कंटेस्ट की बात हम बाद में करेंगे, पहले पूरा मामला जानते हैं, है क्या इस मिशन के बारे में बेसिक जानकारी डिस्कस करते हैं। देखो डार्ट की फुल फॉर्म है डबल एस्ट्रॉयड रीडायरेक्शन टेस्ट। जैसा कि नाम से ही जाहिर है, एस्ट्रॉयड को रीडायरेक्ट करने से संबंधित कोई मिशन है। देखो ये हमारी अर्थ है, अर्थ से कोई एस्ट्रॉयड टकरा जाए तो सोच के देखिए कितना ज़्यादा नुकसान अर्थ को हो सकता है। तो नासा ये कैपेबिलिटी डेवलप करना चाहता है, कल को कोई एस्ट्रॉयड अर्थ की डायरेक्शन में आ रहा हो, यानी अर्थ से टकराने वाला हो, उससे पहले ही उस एस्ट्रॉयड को रीडायरेक्ट कर दिया जाए। मान लीजिए ये हमारी अर्थ है और एस्ट्रॉयड इस तरफ आगे बढ़ रहा है, तो पहले ही कुछ ऐसा किया जाए कि एस्ट्रॉयड की जो डायरेक्शन है वो चेंज हो जाए, वो अर्थ की तरफ आने के बजाय इस तरफ चल दे, यानी ऑर्बिट को चेंज कर दिया जाए एस्ट्रॉयड के। इस कैपेबिलिटी पे काम कर रहा है नासा और इसी कैपेबिलिटी को डेवलप करने की दिशा में ये मिशन है डार्ट मिशन। देखो अभी एक नियर अर्थ एस्ट्रॉयड है जिसका नाम है डिडिमोस। यहां पर नीचे देखो डिडिमोस, डिडिमोस में ना दो बॉडीज हैं, एक बॉडीज है डिडिमोस ए और दूसरी है डिडिमोस बी। जो डिडिमोस ए है ना वो बड़ी बॉडी है और जो छोटी बॉडी है डिडिमोस बी वो डिडिमोस ए के चारों ओर चक्कर काट रही है, समझ गए? यानी बीच में है डिडिमोस ए और चारों ओर चक्कर काट रही है डिडिमोस ए के चारों ओर दूसरी बॉडी जिसका नाम है डिडिमोस बी। तो ये डिडिमोस जो है वो बाइनरी सिस्टम है, इसमें दो बॉडीज हैं। अब बात करते हैं डार्ट मिशन में क्या होगा। डार्ट मिशन में देखो एक स्पेसक्राफ्ट को लॉन्च किया जाएगा, उस स्पेसक्राफ्ट से रेफ्रिजरेटर के साइज का एक छोटा स्पेसक्राफ्ट निकलेगा और वो सीधा सीधा टकराएगा डिडिमोस बी से, और नीचे जो ऑब्जर्वेटरीज हैं उनके द्वारा ऑब्जर्व किया जाएगा कि जो रेफ्रिजरेटर के साइज का स्पेसक्राफ्ट टकराया है डिडिमोस बी से, इसका नतीजा क्या निकला है, इंपैक्ट क्या हुआ है, क्या डिडिमोस बी की डायरेक्शन चेंज हो गई, डिडिमोस ए पे क्या फर्क पड़ा, ये सब चीजें ऑब्जर्व की जाएंगी नीचे ऑब्जर्वेटरीज के द्वारा, समझ गए? और ये रेफ्रिजरेटर साइज का जो स्पेसक्राफ्ट है टकराएगा डिडिमोस बी से, इसकी स्पीड देखो 6 किलोमीटर पर सेकंड से ज्यादा होगी, यानी बुलेट की स्पीड से भी कई गुना ज्यादा। तो ये हमने पूरा मिशन डिस्कस कर लिया, डार्ट मिशन है क्या। नासा के साथ यूरोपियन स्पेस एजेंसी भी कोऑपरेट कर रही है इस मिशन के लिए। और अभी फिलहाल कंटेक्स्ट ये है, स्पेसएक्स मिशन ने कॉन्ट्रैक्ट जीता है नासा की तरफ से इस मिशन के ऊपर काम करने के लिए। यहां पर देखो प्लेनेटरी डिफेंस टेस्ट सैटेलाइट को लॉन्च करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट हासिल किया है स्पेसएक्स, जो कि एक प्राइवेट कंपनी है। स्पेसएक्स कंपनी ने नासा से ये कॉन्ट्रैक्ट हासिल किया है
प्लेनेटरी डिफेंस टेस्ट सैटेलाइट को लॉन्च करने के लिए। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया डार्ट मिशन के बारे में। नेक्स्ट आर्टिकल टाइटन से संबंधित नए डेटा के बारे में है। ये टाइटन क्या है? टाइटन देखो मून है। मून किसका है? सैटर्न का, मतलब शनि ग्रह का एक चंद्रमा है टाइटन। सूर्य से कितना डिस्टेंस है ये सब याद रखने की आवश्यकता नहीं है, आप ये ध्यान में रखिए। ये सोलर सिस्टम का सेकंड लार्जेस्ट मून है। सोलर सिस्टम में सबसे बड़ा मून कौन सा है? देखो जुपिटर के चारों ओर चक्कर लगाता है एक मून जिसका नाम है गैनीमीड। नीचे देखिए, ये गैनीमीड मून किसका है? जुपिटर का। ये सबसे बड़ा मून है पूरे सोलर सिस्टम का। और दूसरे नंबर का सबसे बड़ा मून कौन सा है? टाइटन, जो कि मून है किसका? सैटर्न का, यानी शनि ग्रह का। अच्छा, अब ये बात आती है कि टाइटन जो चंद्रमा है, टाइटन जो मून है वो कैसा है? ये देखो आइसी मून है। टाइटन पर हर जगह चट्टान जैसी बर्फ देखी जा सकती है, लेकिन विश्वास ये भी किया जाता है कि टाइटन पर सरफेस के नीचे ओशन है लिक्विड वाटर का, यानी पानी का समुद्र है टाइटन पर सरफेस के नीचे। और एटमॉस्फेयर की बात करें, टाइटन देखो एकमात्र मून है पूरे सोलर सिस्टम में जिस पर थोड़ा बहुत एटमॉस्फेयर देखने को मिलता है। बाकी तो देखो सोलर सिस्टम में जितने भी मून्स हैं उन मून्स पर एटमॉस्फेयर नहीं देखने को मिलता है, लेकिन ये एकमात्र ऐसा मून है जिस पर थोड़ा बहुत एटमॉस्फेयर देखने को मिलता है। और ये एटमॉस्फेयर कैसा है? जैसे देखो अर्थ पर एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन का कंट्रीब्यूशन काफ़ी ज़्यादा है, 78% के आसपास, उसी प्रकार का एटमॉस्फेयर यहाँ पर भी देखने को मिलता है टाइटन मून पर। और वैसे टाइटन मून का कोई दूसरा मून नहीं है, यह आपको हैरानी वाली बात लगेगी कि मून्स के भी मून होते हैं। मून का मतलब क्या होता है? नेचुरल सैटेलाइट। जैसे चंद्रमा अर्थ का मून है, नेचुरल सैटेलाइट है जो अर्थ के चारों ओर चक्कर लगाता है, चंद्रमा का भी एक नेचुरल सैटेलाइट हो सकता है। है नहीं वैसे, कहने का मतलब ये हुआ जो मून्स होते हैं उनके भी नेचुरल सैटेलाइट हो सकते हैं, उनके भी मून हो सकते हैं, लेकिन टाइटन का कोई मून नहीं है। तो कंफ्यूज मत होइएगा कि टाइटन तो खुद ही मून है, इसका मून कैसे हो सकता है, ऐसा पॉसिबल है। चलो ये तो हमने बेसिक जानकारी डिस्कस कर ली टाइटन के बारे में। देखो नासा, यूरोपियन स्पेस एजेंसी और इटालियन स्पेस एजेंसी, तीनों स्पेस एजेंसीज ने मिलकर एक मिशन भेजा था सैटर्न, और सैटर्न के जो नेचुरल सैटेलाइट्स हैं उनके बारे में स्टडी करने के लिए। और मिशन का नाम क्या था? मिशन का नाम था कैसिनी हुगेंस। यहां पर देखो कैसिनी हुगेंस मिशन भेजा गया था तीन स्पेस एजेंसीज के द्वारा मिलकर, ताकि सैटर्न और सैटर्न के जो नेचुरल सैटेलाइट्स हैं, फॉर एग्जांपल टाइटन, इनके बारे में ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन जुटाई जा सके, इनके बारे में स्टडी किया जा सके। ये मिशन बंद हो गया 2017 में, यानी खत्म हो गया ये मिशन। लेकिन देखो इस मिशन की सहायता से जो डेटा इकट्ठा किया गया था, उस डेटा की सहायता से अब ये कहा गया है साइंटिस्ट के द्वारा कि टाइटन पर जो लेक्स हैं, पहले विश्वास किया जाता था कि टाइटन पर जो लेक्स हैं उनकी डेप्थ काफी कम है, लेकिन नहीं, टाइटन पर जो लेक्स हैं उनकी डेप्थ ज्यादा है, और उन लेक्स में मिथेन है लिक्विड फॉर्म में। फिर से बोलता हूं, ध्यान से सुनिए, कैसिनी हुगेंस मिशन भेजा गया था सैटर्न और सैटर्न के नेचुरल सैटेलाइट्स के बारे में स्टडी करने के लिए। वैसे ही इस मिशन ने काम करना बंद कर दिया 2017 में, लेकिन इस मिशन की सहायता से जो डेटा कलेक्ट किया गया था उस डेटा से यह पता लगता है कि टाइटन मून पर, सैटर्न का जो मून है टाइटन, इस पर जो लेक्स हैं काफ़ी गहरी हैं, और उन लेक्स में मिथेन है लिक्विड फॉर्म में। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया कैसिनी हुगेंस मिशन के बारे में और टाइटन मून के बारे में। तो इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।